लॉ ऑफ टॉर्च के इस लेक्चर सीरीज में अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और असॉल्ट बैटरी इन सभी टॉर्च को डिटेल में कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेमेशन के बारे में। डिफेमेशन इज सिविल रॉन्ग एज वेल एज क्रिमिनल रॉन्ग। तो ये एक ऐसा टॉर्च है जो सिविल रॉन्ग भी है और उसके साथ साथ क्रिमिनल रॉन्ग भी है, राइट? अगर हम आईपीसी के सेक्शन 499, 500, 501 और 502 को देखें तो ये जो चार सेक्शंस हैं डील करते हैं डिफेमेशन से। वहीं जो हमारा न्यू आईपीसी है, जिसे हम भारतीय न्याय संहिता कह रहे हैं, सेक्शन 356 ऑफ न्यू आईपीसी डील्स विथ प्रोविजंस रिगार्डिंग डिफेमेशन। और इसी सेक्शन में चार सबसेक्शंस हैं, सबसेक्शन 1, 2, 3 एंड 4। इन्हीं चार सबसेक्शंस में डिफेमेशन के प्रोविजंस को ऐड किया गया है हमारे न्यू आईपीसी में। तो जहां पहले हम चार सेक्शंस को पढ़ते थे अपने आईपीसी में, अब हम डीएनएस में केवल एक सेक्शन को पढ़ेंगे, विच इज सेक्शन 356, जो बेसिकली डिफेमेशन और उससे जुड़े प्रोविजंस के बारे में बात करता है। हमारे आईपीसी में डिफेमेशन के लिए 2 साल का इम्प्रिजनमेंट और फाइन था। वहीं नए आईपीसी में बीएनएस में 2 इयर्स इम्प्रिजनमेंट और विथ फाइन और विथ कम्युनिटी सर्विस। तो एक नया पनिशमेंट डिफेमेशन में ऐड कर दिया गया है अलोंग विथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, विच इज कम्युनिटी सर्विस, राइट? तो ये है ब्रीफ में आईपीसी और नया बीएनएस किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, उसे हमने जाना डिफेमेशन के रिलेशन में, राइट? तो डिफेमेशन इट इज सिविल रॉन्ग एज वेल एज क्रिमिनल रॉन्ग। यानी डिफेमेशन के लिए आप सिविल केस भी फाइल कर सकते हो और क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हो। नाउ व्हाट इज डिफेमेशन? जब आप अपने किसी एक्ट के थ्रू दूसरे पर्सन के रेपुटेशन को इंजर्ड करते हो, हार्म करते हो, सोसाइटी में उसका जो रेपुटेशन था, जो पॉजिटिव इमेज थी, उसे ब्रेक डाउन करते हो, लोगों के बीच उसके पर्सनालिटी को लेकर के जो पॉजिटिव इमेज था, जब आप उन लोगों के परसेप्शन को बदल देते हो अपने किसी एक्ट के द्वारा, तो बेसिकली आप उसे डीफेम कर रहे हो और ये बेसिकली एक टॉर्ट है, राइट? तो डिफेमेशन को समझने से पहले हम कुछ केस लॉज देखेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास है डिक्सन वर्सेस होल्डन। इस केस में क्या था? इस केस में यह कहा गया, अ मैन्स रेप्यूटेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रॉपर्टी एंड इन सम केसेस मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉपर्टी। बेसिकली एक व्यक्ति का जो रेप्यूटेशन है वो उसके संपत्ति की तरह है, वो उसके प्रॉपर्टी की तरह है, और कुछ मामलों में जो भी उसके पास प्रॉपर्टीज हैं उनके वैल्यू से कहीं ज्यादा वैल्यू उसका इमेज है, उसका रेप्यूटेशन है। तो जब आप उसके रेप्यूटेशन को खराब करते हो, पब्लिक में जो पॉजिटिव इमेज बना है उसे जब आप धूमिल करते हो,
तो आपने डिफेमेशन कमिट किया है और इसके लिए आपको 2 साल का इम्प्रिजनमेंट और फाइन और कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट मिल सकता है, राइट। एक और केस है हमारे पास SNM अवधि वर्सेस प्रफुल्ल के मोहंता। इस केस में क्या था, द कोर्ट हेल्ड दैट इफ द पब्लिश्ड मटेरियल टेंड्स टू लोअर द रेपुटेशन ऑफ पर्सन इन आईज ऑफ सब्सटेंशियल ग्रुप ऑफ पर्सन देन दैट इज सफिशिएंट टू अट्रैक्ट डिफेमेशन। जब कोई व्यक्ति किसी पब्लिश्ड मटेरियल के थ्रू किसी पर्सन के रेपुटेशन को लोअर डाउन करता है, एक पॉजिटिव परसेप्शन जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा उसके रेपुटेशन को लेकर के बनाया गया है, जो पॉजिटिव इमेज उसका बना है इन द ग्रुप्स ऑफ पीपल, और जब आपके इस एक्ट की वजह से, इस पब्लिश्ड मटेरियल के वजह से वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्शन बना लेते हैं उस पर्सन को लेकर के, तो ये एक्ट डिफेमेशन में आता है, राइट। एक और केस है हमारे पास जीपी चौधरी वर्सेस मंजुलता। इस केस में क्या था कि देयर वाज अ न्यूज आइटम पब्लिश्ड बाय अ न्यूज एजेंसी दैट मंजुलता रेन अवे विथ अ बॉय एट नाइट, द न्यूज वाज फॉल्स एंड विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, द न्यूज अफेक्टेड हर मैरिज एंड सी वाज रिडिक्यूल्ड इन दिस सोसाइटी, द डिफेंडेंट्स वर हेल्ड लाइबल फॉर स्टेटमेंट्स। तो इस केस में बेसिकली ये था कि मंजुलता के अगेंस्ट में एक न्यूज़पेपर ने ये स्टेटमेंट पब्लिश किया कि मंजुलता किसी लड़की के साथ रात में भाग गई है। अब इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि उस लड़की का जो इमेज था सोसाइटी में, उसके पेरेंट्स का जो इमेज था सोसाइटी में, कहीं ना कहीं वो हार्म हुआ और उस न्यूज़पेपर वाले को लाइबल ठहराया गया फॉर डिफेमेशन, राइट। नाउ विनफील्ड क्या कहते हैं, किस तरह से विनफील्ड डिफेमेशन को डिफाइन करते हैं। विनफील्ड कहते हैं पब्लिकेशन ऑफ स्टेटमेंट विच टेंड्स टू लोअर अ पर्सन इन एस्टिमेशन ऑफ राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी जनरली और विच मेक्स देम सन और अवॉइड दैट पर्सन। तो विनफील्ड कहते हैं किसी मटेरियल का पब्लिकेशन, किसी स्टेटमेंट का पब्लिकेशन किसी पर्टिकुलर पर्सन के रिस्पेक्ट में, जिससे उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पॉजिटिव थॉट्स बनाए रखने वाले पर्सन्स के बीच जब एक नेगेटिव इमेज बन जाता है उस पर्सन का, तो ये डिफेमेशन है, क्योंकि आपका एक पब्लिकेशन उनके माइंडसेट को, उनके थॉट्स को बदल देता है उस पर्सन के रिस्पेक्ट में, यानी कहीं ना कहीं आपने उसके पर्सनालिटी को डिफेम किया है, राइट। सो इट इज द स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेमेशन गिवन बाय विनफील्ड। डिफेमेशन इज सिविल एज वेल एज क्रिमिनल रॉन्ग, यानी आप सिविल सूट भी फाइल कर सकते हो अंडर डिफेमेशन और क्रिमिनल सूट भी फाइल कर सकते हो अंडर डिफेमेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन जिसने आपके अगेंस्ट फॉल्स केस फाइल कर दिया, बाद में कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो आपके फेवर में दिया, तो भले ही आप केस जीत गए लेकिन उतने समय के लिए जो रेपुटेशन आपकी सोसाइटी में थी, जो पॉजिटिव इमेज आपने बना रखा था, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ और लोगों का एक परसेप्शन बना कि आप ऐसे भी हो सकते हो। तो ऐसे केसेस में आप उस पर्सन के अगेंस्ट डिफेमेशन का केस फाइल कर सकते हो, बिकॉज उसके चलते आपका जो रेपुटेशन था वो इंजर्ड हुआ, वो हार्म हुआ। इंग्लिश लॉ में 2 तरह के डिफेमेशन हो सकते हैं, पहला लाइबल और दूसरा स्लेंडर। लाइबल मीन्स एनी थिंग विच इज डिफेमेटरी
विच इज इन रिटन फॉर्म विच इज पब्लिश्ड, तो वो लाइबल है। स्लेंडर मीन्स जब आप किसी पर्टिकुलर ओकेजन पर कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट बोलते हो किसी पर्सन के अगेंस्ट, या आप अपने गेस्चर से उस पर्सन को डिफेम करते हो, तो ये भी क्या है? डिफेमेशन है। लेकिन इंडियन लॉ में हमें केवल लाइबल फॉर्म ऑफ डिफेमेशन देखने को मिलता है, राइट? तो व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ डिफेमेशन? डिफेमेशन के क्या क्या एसेंशियल्स हैं? तो पहला कहता है, वर्ड्स मस्ट बी फॉल्स एंड डिफेमेटरी। जो भी वर्ड्स आपने पब्लिश किया, वो वर्ड्स उस पर्सन के रिस्पेक्ट में फॉल्स था और वो डिफेमेटरी था। अगर आप उस पर्सन के बारे में ट्रू वर्ड्स बोलते हो, ट्रू स्टेटमेंट्स पब्लिश करते हो, तो ये डिफेमेटरी नहीं। तो पहला कहता है, वर्ड्स मस्ट बी फॉल्स एंड डिफेमेटरी। दूसरा, शेड वर्ड्स मस्ट रेफर टू प्लेंटिफ। आपने जो कुछ भी बोला, आपने जो कुछ भी लिखा, वो टोटली किसके अगेंस्ट था? उस पर्टिकुलर प्लेंटिफ के अगेंस्ट था और किसी दूसरे के लिए नहीं था, तो ये भी क्या है? दूसरा एसेंशियल है। तीसरा, वर्ड्स मस्ट बी कम्युनिकेटेड पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड टू द सोसाइटी। और जो कुछ भी डिफेमेटरी स्टेटमेंट आपने बोला, आपने पब्लिश किया या आपने पब्लिश नहीं किया, दोज डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू थर्ड पर्सन। वो किसी तीसरे पर्सन के नॉलेज में आया अदर देन प्लेंटिफ, तो ये क्या है? डिफेमेशन, राइट? अब देखो, पहला एसेंशियल एलिमेंट है, वर्ड्स मस्ट बी फॉल्स एंड डिफेमेटरी। अब इसे लेकर के हमारे पास केस है, साउथ इंडियन रेलवे कंपनी वर्सेस रामकृष्णन। इसमें क्या था कि रामकृष्णन एक ट्रेन में सफर कर रहे थे, टिकट कलेक्टर उनके बोगी में आता है और टिकट कलेक्टर रामकृष्णन को देख करके उसे लगता है कि रामकृष्णन ने टिकट नहीं लिया है और टिकट कलेक्टर कहता है कि तुम टिकट दिखाओ, मुझे लग रहा है कि तुमने टिकट नहीं लिया है। अब रामकृष्णन पूरे स्वैग में आकर के टिकट ऐसे दिखाते हैं। हालांकि बाद में रामकृष्णन इस स्थिति के अगेंस्ट डिफेमेशन का केस फाइल कर देते हैं। कोर्ट ये कहती है कि जो कुछ भी उस पर्टिकुलर टीटी ने किया, उसने गुड फेथ में किया और केवल सस्पिशन के बेसिस पर किया। उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो आपको डिफेम करे, और वो जो कुछ भी कर रहा था वो अपने अथॉरिटी के तहत कर रहा था, वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था, राइट? तो उसने जो कुछ भी बोला कि टिकट चेक कराओ, तुम्हारे पास टिकट नहीं है, ये फॉल्स नहीं था, डिफेमेटरी नहीं था, राइट? अब एक कॉन्सेप्ट है डिफेमेशन में, विच इज इन्यूएंडो। इन्यूएंडो मीन्स वर्ड्स विच आर प्राइमा फेसी इनोसेंट बट लेटर ऑन इट बिकम्स डिफेमेटरी, राइट? इन्यूएंडो मीन्स
ऐसे बोझ जो अपने आप में प्राइमा फेसी इनोसेंट होते हैं लेकिन बाद में डिफेमेटरी हो जाते हैं, वो इन्यूंडो कहलाते हैं। जैसे हमारे पास केस है मॉरिशन वर्सेस रिधि एंड कंपनी। इस केस में क्या था कि एक न्यूज एजेंसी ने एक महिला को लेकर के ये स्टेटमेंट पब्लिश किया कि दैट वुमेन हैज गिवन बर्थ टू ट्विंस, उस औरत ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया है। बाद में तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, फैक्चुअली ट्रू था, इनोसेंट था। लेकिन बाद में उस न्यूज़पेपर ने ये लाइन ऐड किया था कि आफ्टर 2 months ऑफ मैरिज सी हैज गिवन बर्थ टू ट्विन बेबीज। उस महिला ने केस फाइल कर दिया। हालांकि उस न्यूज़पेपर ने ये डिफेंस लिया कि जो कुछ भी उसने पब्लिश किया उसने बोनाफाइड इंटेंशन से पब्लिश किया और उसका कोई इंटेंशन नहीं था उस महिला को डिफेम करने का। कोर्ट ने कहा कि ये जो स्टेटमेंट आपने पब्लिश किया है ये प्राइमा फेसी इन्यूएंडो है और अपने आप में डिफेमेटरी है। प्राइमा फेसी ये स्टेटमेंट भले ही इनोसेंट है और आपने गुड फेथ में पब्लिश किया था, आपका कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन डिफेमेशन में अगर आपने कोई स्टेटमेंट पब्लिश किया है भले ही आपका इंटेंशन था या नहीं था, इफ दैट स्टेटमेंट इज डिफेमेटरी देन यू आर लाइबल फॉर डिफेमेशन, राइट। एक और केस है हमारे पास कैसिडी वर्सेस डेली मिरर न्यूज़पेपर। इसमें क्या था, मिस्टर और मिसेस कैसिडी हस्बैंड वाइफ थे लेकिन लंबे समय से वो एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे थे। हाँ, कभी कभी उनके बीच मुलाकात जरूर होती थी लेकिन वो लॉफुली एक साथ नहीं थे। हालांकि वो दोनों सेपरेट भी नहीं थे दूसरे से, उन दोनों के बीच डाइवोर्स भी नहीं हुआ था। एक बार मिस्टर कैसिडी को मिसेस एक्स के साथ देखा जाता है और न्यूज़पेपर वाले ये पब्लिश कर देते हैं कि मिस्टर कैसिडी इज गोइंग टू एंगेज्ड विथ मिसेस एक्स। जब इसके बारे में मिस्टर कैसिडी और उनके वाइफ को पता चलता है तो वो डिफेमेशन फाइल कर देते हैं ये कहते हुए कि दे आर स्टिल हस्बैंड एंड वाइफ, और ऐसे पब्लिकेशन से उनका जो इमेज है सोसाइटी में, मिस्टर कैसिडी का और उनकी पत्नी का जो इमेज है वो डिफेम हुआ है, जो रिस्पेक्ट था सोसाइटी में वो कहीं ना कहीं हार्म हुआ है। न्यूज़पेपर ने ये डिफेंस लिया कि उसने जो कुछ भी पब्लिश किया वो ट्रू था क्योंकि मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स और मिस्टर कैसिडी फ्रेंड्स तो थे, साथ में रहते थे, तो प्राइमा फेसी इट वॉज इनोसेंट। लेकिन आगे जो इंगेजमेंट वाली बात थी, क्योंकि उन्हें पता नहीं था फिर भी उन्होंने ये पब्लिश किया, तो कहीं ना कहीं ये क्या था, इन्यूंडो था, और उस न्यूज़पेपर को लाइबल ठहराया गया फॉर डिफेमेशन, राइट। अब एक और केस है हमारे पास हल्टन वर्सेस जोन्स का केस। अच्छा, जो हमने तीसरा एलिमेंट देखा डिफेमेशन का कि वर्ड्स मस्ट रेफर टू प्लेंटिफ ओनली, इसे लेकर के हमारे पास केस है हल्टन वर्सेस जोन्स। इसमें क्या था, न्यूज़पेपर पब्लिश्ड अ फिक्शनल आर्टिकल अबाउट अ पर्सन नेम्ड आर्टिमस जोन्स। द न्यूज विक्टिम हैड कास्ट एस्पर्जन ऑन मोरल्स ऑफ फिक्टिटियस पर्सन, अ रियल मैन ऑफ सेम नेम ब्रॉट एन एक्शन फॉर डिफेमेशन। इस पर्टिकुलर केस में न्यूज़पेपर वाले ने एक फिक्शनल आर्टिकल पब्लिश किया एक फिक्शनल नाम के पर्सन पे, हालांकि उस नाम का
जो पर्सन था वो नाम भले ही फिक्शनल था और यूनिक था, लेकिन उस नाम का पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। तो उसने डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया। कोर्ट ने ये कहा कि आपने जो भी पब्लिश किया वो फिक्शनल था, कैरेक्टर वॉज ऑल्सो फिक्शनल और आप इनोसेंट थे, लेकिन इफ समबडी हैज फाइल्ड डिफेमेशन अगेंस्ट दैट न्यूज़पेपर तो आप डिफेंस तब ले सकते हो जब आप अपोलॉजी फाइल कर दो, आप सार्वजनिक तौर पे उस व्यक्ति से माफी मांग लो या अपने स्टेटमेंट में करेक्शन कर लो। अगर आप ऐसा करते हो तो ये माना जाएगा कि आप इनोसेंट थे और आपका इरादा उस पर्सन को डिफेम करना नहीं था, राइट। तीसरा है वर्ड्स मस्ट बी पब्लिश्ड, इट मींस जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट आपने दिया इट मस्ट कम टू द नॉलेज ऑफ थर्ड पर्सन। अगर आप कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट किसी दूसरे पर्सन के जिसे आप डिफेम करना चाहते हो केवल उससे कम्युनिकेट कर रहे हो और थर्ड पर्सन को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो ये डिफेमेशन नहीं है। तो वर्ड्स मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू पर्सन्स अदर देन प्लेंटिफ, राइट। तो ये था डिफेमेशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट जिसे मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश की। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।